भारत की इन सड़कों पर आज भी भटकती हैं प्रेत आत्माएं। किससे सुनकर ही काम जाती है रूह। अगर आप घूमने फिरने के शौकीन हैं या ऐसा काम करते हैं जिसकी वजह से आपको अक्सर एक शहर से दूसरे शहर जाना पड़ता है, तो पूरी गुंजाइश है आप हाईवे पर सफर करते हो। एक नज़र देश की उन सड़कों पर जिन पर नकारात्मक शक्तियों का साया है। आप भले ही भूत पिशाच में यकीन ना करते हो, मगर कई लोगों ने अपने सफर के ऐसे भयानक किस्से शेयर किए हैं कि उनके बारे में सुनकर रूह कांप जाती है। रांची जमशेदपुर NH 33। रांची जमशेदपुर हाईवे 33। इस हाईवे पर जितने भी हादसे हुए उनमें से कई मामले अस्वाभाविक लगे। सड़क की दोनों छोर पर मंदिर है। कहा जाता है कि जो भी बिना दर्शन किए यहां से गुजरता है उनके साथ अप्रिय घटनाएं घटती हैं। दिल्ली कैंटोनमेंट रोड, दिल्ली कैंटोनमेंट रोड धौला कुआं के पास मौजूद दिल्ली कैंट एरिया को भूतिया माना जाता है। कहा जाता है कि देर रात करीब 1 से 2 बजे के बीच एक महिला सुनसान सड़क पर देखी जाती है। वह लोगों से लिफ्ट मांगती है। कहा जाता है कि जितने भी लोगों ने उसे लिफ्ट दिया वे फिर कभी नहीं नजर आए। वेबसाइट गोस्ट स्टोरीज वर्ल्ड के मुताबिक अगर महिला के इशारे करने पर कोई गाड़ी नहीं रोकता है तो वे गाड़ी के पीछे सवार हो जाती है या गाड़ी की ही गति में दौड़ती है। वह महिला कोई इंसान नहीं बल्कि प्रेतात्मा है जिसकी रूह सालों से यहां भटक रही है। स्टेट हाईवे ईस्ट कोस्ट रोड, स्टेट हाईवे 49 ईस्ट कोस्ट रोड। यह सड़क तमिलनाडु को पश्चिम बंगाल से जोड़ती है। इसी हाईवे पर चेन्नई और पुदुचेरी के बीच एक जगह ऐसी है जो काफी डरावनी मानी जाती है। कई ड्राइवरों ने बताया कि इस जगह पर पहुंचते ही उन्हें अचानक सर्दी लगने लगती है। यही नहीं, उन्हें ऐसा महसूस होने लगता है सड़क से कुड़ने लगी। वहीं कई लोगों ने यह दावा भी किया है कि रात के वक्त अचानक गाड़ी के सामने सफेद साड़ी पहने एक महिला नजर आती है जिसके बाद एक्सीडेंट हो जाता है। दिल्ली जयपुर हाईवे, दिल्ली जयपुर हाईवे राजस्थान में मौजूद भानगढ़ किला देश की सबसे भूतिया जगह मानी जाती है। यह दिल्ली जयपुर हाईवे के करीब मौजूद है। कई लोगों ने एक अज्ञात ताकत से खुद को धक्का पाते हुए महसूस किया है।